हेलो एंड वेलकम आई एम राज चंद्राकर एंड आई एम सीनियर फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी एट अभिमनुआई आज हम जी एस पेपर वन की बात करेंगे जो 21 सितंबर 2024 को हुआ है जो कि आज की ही बात है और इस पेपर में हम देखेंगे कि ज्योग्राफी से किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करें तो अराउंड फोर टू फाइव क्वेश्चंस आए हैं ज्योग्राफी से जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है स्पेशल फोकस जो है वो क्लाइमेटोलॉजी की तरफ देखा गया है प्रिलिम्स में भी इसी टाइप का फोकस था क्लाइमेटोलॉजी में ज्यादा फोकस था अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें और अगर हम इंटर लिंक टॉपिक्स की बात करें तो ज्योग्राफी का लिंकेजेस विध रिस्पेक्ट सोसाइटी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑस्पेक्ट से भी दिखाई देता है अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो ज्योग्राफी जो से था दैट वॉज क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रॉपिकल साइक्लोस सो वॉट इज सी सरफेस टेम्परेचर राइज एंड हाउ डज इट एफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसके प्रेडिक्शन के पीछे दो तीन सिनेरियोस है या तो आपने पी का प्रॉपर एनालिसिस किया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का या फिर आपने करंट अफेयर्स को रिलीजियसली फॉलो किया है। हमने जब इस पर वीडियो बनाया ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पे टू वीक्स पहले हमने एक वीडियो बनाया था तो अगर आप देखते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट वॉज अपलोडेड टू वीक्स एगो एम दैट कैन बी आस्ड एज फार एज ट्रॉपिकल साइक्लोन इज कंसर्न And next, the main's perspective as far as tropical cyclones is concerned. So, in the first part, we explained the basics of tropical cyclones, and then we explained how questions can be framed as far as prelims is concerned. And then we delve well into this part, that is main's perspective, in which we followed that what kind of structure you need to follow as far as the answer on tropical cyclone is concerned. So, हमने इस क्वेश्चन को ऐसे पहले डील किया हुआ इफ यू वॉन्ट टू सी यू कैन सी इन दिस वीडियो फर्दर अगर हम जीएस पेपर की बात करें आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं वॉट वाई डू लार्ज सिटीज मोर माइग्रेंट देन स्मॉलर टाउन डिस्कस इन द लाइट ऑफ कंडीशन इन डेवलपिंग कंट्रीज ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली ह्यूमन जोग्राफी का क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन इमिग्रेशन और इमिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और रिसेंटली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ डंकी डंकी रूट डंकी वैली तो ये डंकी रूट के चलते माइग्रेशन के क्वेश्चन आपको ज्यादा दिखाई देंगे फिर अगर हम सिक्स क्वेश्चन की बात करें व्हाट इज द फिनमिनन ऑफ क्लाउड बस्ट अगर हम फिर से देखते हैं वीडियोज में तो हमने क्लाउड बस्ट पर वन मंथ है एक वीडियो बनाया था द फिनोमिन एक्सप्लेन नाउ दिस क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स से इसका डायरेक्ट लिंक है क्योंकि रिसेंटली क्लाउड बस्ट इवेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हो रहे थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर आप सिक्किम की बात करें आप उत्तराखंड की बात करें तो बहुत सारे क्लाउड बस्ट फिनन देखने को मिले स्पेशली और वेस्टर्न घाट्स में भी आपको क्लाउड बस्ट फिनोमिन देखने को मिलते हैं तो क्लाउड बस्ट फिनन को भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है जिसमें फिनोमिनल कॉजेज इम्पैक्ट ऑफ क्लाउड बस्ट सारे के सारे पॉइंट्स आते हैं फिर अगर हम बात करते हैं फिर किस टाइप के क्वेश्चन और क्रिएट होते हैं वॉट इज द कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर इज द वर्ल्ड मूविंग टूवर्ड सच एचुएशन और वॉट इज डेमोग्राफिक विंटर अगर आप एक करंट अफेयर्स को लिंक करें रिसेंटली लास्ट ईयर जो कि पी एफ आर टोटल फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया का वो डिक्लाइन हो गया था रिप्लेसमेंट लेवल से डेमोग्राफिक विंटर जो कंसेप्ट है वो उसी से रिलेटेड है कि वेन यूर बर्थ रेट डिक्लाइन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दैट इज नोन एज डेमोग्राफिक विंटर तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था तो आप देख सकते हैं कि इंटर लिंकेजेस ऑफ स्टैटिक टॉपिक विथ रेस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे अगर आप ज्योग्रफी के क्वेश्चन की बात करें फर्दर हम ज्योग्राफी का अगर क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन दैट इज द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ गैंगेटिक वैली इज ऑन ए सीरियस डिक्लाइन हाउ मे इट अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया अगर आप एक पी याद करने की कोशिश करें जो टू थ्री ईयर्स बैक मेन्स में ही एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू तो वाटर क्राइसिस वाटर स्ट्रेस वाटर एवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी तो यू का कंटिन्यूसली फोकस रहा है वाटर एवलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी में और यू का फोकस ग्राउंड वाटर पे भी रहा है अगर आप प्रिलियम्स भी देखते हैं और अगर आप मेंस भी देखते हैं क्योंकि तो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दैट अंडर एक्ट सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वाज फॉर्म दैट इज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 इस टाइप के क्वेश्चन से आप ये डील कर सकते हैं कि अगर मैं फुल ऑन स्टडी करने जाऊँ नीति आयोग की रिपोर्ट की स्टडी करने जाऊँ या वाटर स्ट्रेस फिनोमिनन की स्टडी करने जाऊँ और स्पेशली गैंगेटिक वैली में क्या फिनोमिनन है कि ग्राउंड वाटर को यूज किया जाता है इरीगेशन के लिए तो इरीगेशन से फूड सिक्योरिटी को आप इंटरलिंक कर सकते हैं तो ऐसे इंटरलिंकेजेस करने हैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स के अगर आप इसमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं फर्स्ट पार्ट इज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड जोग्रफी सेकंड पार्ट इज रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी दैट इज इकोनॉमी इकोनॉमी और जोग्राफी का आपको इंटर दिखाई देगा जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स का आपको इंटर दिखाई देगा और जब आप डेटा यूज़ करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इंटरमिंगल करके डेटा यूज़ करेंगे जब हम मीन्स आंसर राइटिंग की क्लास करते हैं मीन्स आंसर राइटिंग की क्लास में हम क्या करते हैं हम बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट को एक जगह करने की कोशिश करते हैं सपोज सोसाइटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है अब सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसके पीछे का को कोई जोग्राफिक बैकग्राउंड भी होगा उसके पीछे का को कोई इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी होगा वो चीज़ आपको वहाँ पर आंसर में दिखनी चाहिए ताकि आपको सब्जेक्ट के बीच में इंटर डिपेंडेंस एंड इंटर रिलेटेडनेस या इंटर कनेक्टेडनेस दिखाई दे उस टॉपिक को आपको फॉर्मेट में मेंशन करना है जब हम आंसर्स की बात करते हैं फर्दर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड ऑरोरा बोरियलिस? हाउ आर दिस ट्रिगर्ड क्या जरूरत है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियलिस पे क्वेश्चन पूछने की जब ऑलरेडी इतने ह्यूज टॉपिक्स यूपीएससी के पास हैं अगर आप देखते हैं प्लेट टेक्टॉनिक्स से क्वेश्चन नहीं आ रहा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आ रहा है यापोज जो मार्फोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ओरो ऑस्ट्रेलिस और औरोरो बोरियोलिस के पीछे का रीजन क्या हो सकता है इसके पीछे के दो रीजन हो सकते हैं इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे जो आप आंसर्स में भी मैंशन कर सकते हैं एक औररा फॉर्मेशन इन लद्दाख रिसेंटली करंट अफेयर्स फिर से दूसरा जब हम आदित्य एल्वन को लिंक करते हैं तो आदित्य एल्वन क्या स्टडी करने जा रहा है सर्फेस ऑफ सन को स्टडी करने जा रहे हैं सरफ़ेस ऑफ द सन को जब स्टडी करेगा तो सोलर स्टॉम को स्टडी करेगा सोलर स्टॉम को जब स्टडी करेगा तो मैग्नेटोस्फीयर ऑफ अर्थ को स्टडी करेगा मैग्नेटोस्फियर ऑफ अर्थ को जब स्टडी करेगा तो वो देखेगा कि हाउ ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड ऑरोरा बोरियोलिस आर फॉर्म तो फिर से करेंट और स्टैटिक का इंटरलिंकेज है अगर आप देखते हैं और ऑस्ट्रेलिस और, 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 और बोरियोलिस की बात करते हैं तो आपका आंसर एकदम स्टैटिक पोर्शन में ना होके अगर आपने करंट अफेयर्स को अच्छे से डील किया हुआ है अगर आपने मेंस आंसर राइटिंग की प्रॉपर प्रैक्टिस की हुए स्ट्रक्चर पहले से फॉर्म किए हुए हैं तो आप इस आंसर को इस फॉर्मेट में डील कर सकते नेक्स्ट व्हाट इज अ ट्विस्टर अब ये क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप्स में देख के लगता है कि ये कोई नया फिनन है जिसके बारे में यूजली ना एनसीआर में है मैंशन ना कहीं पर न्यूज में भी उतना देखने को नहीं मिला है ऐसा देख के लगता है लेकिन अगर आप इस चीज़ इस क्वेश्चन को डील करने जाते हैं दट वॉट इज अ ट्विस्टर वाई आर मेजोरिटी ऑफ ट्विस्टर्स ऑब्जर्व्ड इन एरियाज अराउंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको इट इज अ फॉर्म ऑफ हरिकेन ओनली ट्विस्टर इज अ फॉर्म ऑफ हरिकेन और गल्फ ऑफ मैक्सिको रीजन में हरिकेन का फिर से इंटेंसिटी बढ़ गया है जिसके पीछे पैसिफिक डिक्रेडल ऑसिलेशन का भी एक फैक्टर आपके इस रेस्पेक्ट में आता है तो आपको ये देखना है फिर से इंटरलिंकेजेस करना है करंट अफेयर्स में जो टॉपिक न्यूज़ में था वहाँ पर नॉमन प्लेचर क्या चल रहा है जैसे यहाँ पर हम तो साइक्लोन बोल देते हैं इंडियन सब में हरिकेन्स और ट्विस्टर्स वो आपके अमेरिकन आ, रीजन में आते हैं आप अगर रिसेंटली न्यूज़ देखें टाइफून यागी रिसेंटली न्यूज़ में द डिस्टेशन रिलेटेड टू तो, टाइफून तो, यागी इज आल्सो इन न्यूज़ विच इज़ इम्पैक्टिंग ताइवान एंड म्यांमार रीजन बिकॉज ऑफ विच देयर इज एक्सटेंसिव ह्यूज नंबर ऑफ डेथ्स रिलेटेड टू टाइफून यागी तो आप अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन को होलिस्टिकली प्रिपेयर करते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में आप इस चीज़ को भी प्रिपेयर करेंगे अगर आप करंट अफेयर्स को करने जाते हैं या मेंस की आप प्रिपरेशन करने जाते हैं तो आपके ये सारे पॉइंटर्स इस हिसाब से डील होंगे नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चंस देखते हैं व्हाट इज रीजनल डिस्पैरिटी हाउ डज़ इट डिफर फ्रॉम डाइवर्सिटी हाउ सीरियस इज़ द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी दिस इज रिलेटेड टू इसमें रीजनल डिस्पैरिटी जो है वो रीजनल जियोग्राफी का पार्ट हो सकता है बाकी आपका सोसाइटी का क्वेश्चन होता है फिर से माइग्रेशन ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज अर्बन माइग्रेशन बाय स्किल्ड यंग अनमैरिड वुमेन फ्रॉम वेरियस क्लासेस ये वुमेन एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है पर फिर से माइग्रेशन का इशू आता है तो आपको इंटरलिंक करना है विथ एग्जाम्पल्स आपको इंटरलिंक करना है और ये एग्जाम्पल्स आप जनरेट करोगे जब आप माइग्रेशन के एग्जाम्पल्स जनरेट कर तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से इंटरलिंकेजेस है जिसके लिए अभी मनु में हम कंटिन्यूअसली ये ट्राई कर रहे हैं कि आपके कोर कंसेप्ट को हम वीडियोस के फॉर्मेट में आपको प्रेजेंट करते जाएं यूट्यूब में सेकेंडली वी आर ऑल्सो डूइंग दी मीनस आंसर राइटिंग क्लासेस इन विच वी आर फोकसिंग ऑन डेटा ऑल्सो एंड हाउ टू प्रेजेंट दी आंसर्स फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं उस घर पर लिखने का ट्राई करते हैं फिर आप ये देखेंगे कि आपके पास जनरल पॉइंट्स तो हैं अगर आप फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें प्री कंडीशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें आप जेनरिक आंसर इजिली लिख सकते हैं इन सारे क्वेश्चन आपको इसमें करना है वैल्यू एडिशन वैल्यू एडिशन के लिए चाहिए आपको डेटा डेटा आप कहाँ से प्रेजेंट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आपको या तो इकट्ठे करने होंगे या फिर आप कोई मेन्स आंसर राइटिंग की क्लासेस करते हैं तो ये सारे के सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने होंगे जब आप मीन का प्रिपरेशन करेंगे क्योंकि तो बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेडनेस है अमंग सब्जेक्ट्स एज फार एज means is concerned so i urge you to watch the videos that are being there in abhimanyu is channel and please follow us